इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में एक रिटेल केमिस्ट ने अपने काम को कंप्यूटराइज्ड कैसे करना है। जैसे कि हम आमतौर पे जानते ही हैं कि एक रिटेल केमिस्ट शॉप पे एक ही टाइम पे काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, तो ऐसी शॉप पे हमें ज़रूरत होती है कि एक इजी सिस्टम के थ्रू हम उसकी बिलिंग कर सकें, जिस बिलिंग में टाइम कम कंज्यूम हो और कम समय में ज़्यादा कस्टमर को सर्व किया जा सके। तो इसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर में रिटेल सेल दी गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रिटेल सेल की एंट्री आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने एंट्रीज़ में आके यहाँ पे रिटेल सेल पे आना है। रिटेल सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे, यहाँ डेट आ जाएगी। अभी हम टर्म जो है वो कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश में हम सेल कर रहे हैं। बिल नंबर आ जाएगा, इसको आप मैनुअली भी डाल सकते हो, बिल नंबर जो भी आप डालना चाहें। यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ। यहाँ पे एज आ जाएगी, पर्पस क्या है, मान लीजिए इनको जो भी है फीवर डाल देते हैं। सिटी कौन सी है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप डिटेल फिल करके यहाँ पे आ जाएगा आइटम, जो भी आपने सेल करनी है मेडिसिन उसको सिलेक्ट कर लोगे आप। यहाँ पे बैच सिलेक्ट कर लोगे। देखिए बैच सेलेक्ट करते ही आपको सॉफ्टवेयर ये भी बताएगा कि ये जो मेडिसिन है वो किस रैक में रखी गई है शॉप पे। अगर आपने आइटम बनाते टाइम रैक डाला होगा उसका, तो सेल करते टाइम आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा यहाँ पे कि कौन सी लोकेशन पे पड़ी हुई है ये जो मेडिसिन है। तो यहाँ से एंटर करेंगे, आगे पैरासीटामोल के कितने स्ट्रिप हम सेल कर रहे हैं वो डाल देंगे, मान लीजिए 2 स्ट्रिप हैं। यहाँ पे लूज आ जाएगा, अगर स्ट्रिप में से 3-4 जो टैबलेट हैं वो देने हैं कस्टमर को, यहाँ पे डाल सकते हो आप। मान लीजिए 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट हैं, हमने उनको 2 स्ट्रिप देने हैं और 4 टैबलेट देनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 स्ट्रिप जो है 20 रुपीज़ का है। तो साथ में ही सॉफ्टवेयर ने आपको जो लूज़ टैबलेट आपने डाले हैं यहाँ पे, उसका भी जो भी अमाउंट बना है कैलकुलेट कर दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 8 रुपीज़ जो हो गए हैं लूज़ टैब के, तो इसको हम एंटर कर देंगे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा से चार्ज वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ पे चार्ज भी लगा सकते हो, कितना लगाना है, या कोई डिलीवरी वगैरह करनी है होम डिलीवरी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी बहुत सारे दिए गए हैं, जो भी चार्ज वगैरह हैं अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा नीचे इसका। जैसे ही हम यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो भी है कंपनी का नाम है वो भी दिखाएगा आपको। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं, ओके करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस, ओके। इस तरह से आपके पास बिल बनकर आ जाएगा। अगर आप सिंगल कॉपी बनाना चाहें या डबल बनवाना चाहें वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते हो। ये टेम्परेरी बिल फॉर्मेट लगाया हुआ है, अभी हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे और फॉर्मेट भी लगे हुए हैं, अगर आपने किसी भी फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सकते हो बिल को, इसे क्लोज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिस डॉक्टर ने रेफ़र किया है आपके पास कस्टमर को, पेशेंट को, उसका भी नाम आपने सेल के टाइम मेंशन करना है वहाँ पे सेल एंट्री में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूटिलिटीज़ में आना है। यूटिलिटीज़ पे आके ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे रिटेल सेल में देखिए ऑप्शन दी गई है यहाँ पे, कीप रेफरिंग डॉक्टर इन रिटेल सेल, इसको आपने टिक लगाना है। टिक लगा के यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दोगे आप, ओके करोगे, इसे क्लोज़ कर देते हैं अभी। तो अभी हम दोबारा से रिटेल सेल करते हैं, इधर से भी आप राइट साइड से ओपन कर सकते हो रिटेल सेल को एंट्री करने के लिए। तो अभी जो हमने सेल की है वो दिखा रहा है सॉफ्टवेयर आपको,
अभी हम एक नई एंट्री कर लेते हैं सेल की, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं अभी। यहाँ पे डॉक्टर का नाम आ जाएगा। अभी डॉक्टर का अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए कोई लिस्ट में दिखा नहीं रहा ये। तो यहीं से हम डॉक्टर का एक अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन F3 करूँगी। यहाँ पे जो भी डॉक्टर है उसका नाम दे देंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे ग्रुप पे आप डॉक्टर ही रखोगे, तो इसे हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐट ए टाइम आप F3 प्रेस करके डॉक्टर के नाम का एक अकाउंट बना लोगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे डॉक्टर जो भी है। बिल नंबर आ जाएगा, उसके बाद हमारी कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट में सेल करनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो भी आइटम हमने सेल करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे। आइटम को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जो भी हमने लास्ट परचेज की थी सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा उसकी डिटेल। ये वाली आइटम परचेज की थी और क्या क्या रेट लगा था हमें, वो सारी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप बैच सेलेक्ट कर लोगे, जो भी जिसकी भी सेल करनी है बैच सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देंगे, मान लीजिए 40 स्ट्रिप देने हैं, 5 टैबलेट हैं, इसको ऐड कर देंगे। इसको भी हम सेव कर देंगे यहाँ पे, ओके करेंगे। इसका भी हम प्रिंट देख लेते हैं, प्रीव्यू। ये जो बिल फॉर्मेट है ये अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करवा सकते हो जैसा भी चाहें। इसे क्लोज कर देते हैं। अभी हम इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे जो भी हमने एंट्री की है। इसके लिए हमने रिपोर्ट्स पे आना है। रिपोर्ट्स पे आके आप सेल रजिस्टर चेक कर सकते हो। इसमें आप सेल रिटेल सेल रजिस्टर आप देख लोगे। यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए जो भी हमने एंट्रीज की हैं रिटेल सेल की वो दिखा रहा है आपको सारी डिटेल। यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन दी गई हैं। आपने कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट आपने चेक करनी है किसी पर्सन की, तो आप पेशेंट का नाम दे के यहाँ पर सर्च कर लोगे लिस्ट में से। अगर आप चाहें तो डॉक्टर के नेम से भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप देखना चाहें कि कौन से डॉक्टर के थ्रू हमें कौन सी रेफरेंस आई है, तो आप डॉक्टर नेम सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हो नाम उसका, जैसे हमने डाला था संजीव। देखिए ये दिखा दिया कि संजीव गुप्ता डॉक्टर जो है उसके थ्रू। अगर आप देखना चाहें कि कितनी रेफरेंस आई हैं हमारे पास, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। इसी तरह से और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं दी गई हैं यहाँ पे। आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। यहाँ नीचे इसका टोटल आ जाएगा जितनी भी आप सेल करोगे डेट वाइज। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी रिपोर्ट्स में आएंगे दोबारा से। अभी हम आपको GST रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। GSTR1 को ओपन करोगे क्योंकि सेल की एंट्री GSTR1 में आती है। यहाँ पे देखेंगे B2C स्मॉल इनवॉइस, ओके करेंगे। तो आज की डेट में जो भी हमने एंट्रीज की हैं वो दिखा दी हैं सॉफ्टवेयर ने आपको। इसे अभी क्लोज करेंगे। इसी तरह से आप और भी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो, GST रजिस्टर बिल वाइज, डेट वाइज। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप GST रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसे क्लोज करेंगे। एक रिपोर्ट मैं और दिखाना चाहूँगी आपको। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस ये रिपोर्ट और चेक करेंगे। यहाँ रिसीवेबल पे क्लिक करके ओके करना है आपने। देखिए जो भी आपने क्रेडिट में सेल की होगी, मतलब जो भी पेंडिंग होगी पेमेंट आपने लेनी है अपने जो भी कस्टमर हैं रिसीव करनी है, तो आपने रिसीवेबल पे क्लिक करके ओके करना है। तो आपको सारी वो कस्टमर दिखा देगा आपके जिनसे आपने पेमेंट लेनी है, कौन से कस्टमर से आपने कितनी पेमेंट लेनी है सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा। टोटल जितना भी बनेगा उसका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने चेक करना है कि आपके कौन कौन से सप्लायर को आपने पेमेंट अभी करनी है, तो उसके लिए आपने पेबल पे क्लिक करना है।
पेबल पे क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर दिखा देगा कि कौन से सप्लायर को आपने कितनी पेमेंट देनी है अभी बाकी है यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग में जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा वो आपको दिखाएगा, अगर आपने पेमेंट लेनी है वो भी, जो भी आपने पेमेंट देनी है अभी बैलेंस है वो भी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपने रिटेल सेल की एंट्री कैसे करनी है और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कैसे चेक करनी है। इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।